Welcome to Global Enterprise Hub. हेलो दोस्तों, आज हम जो बताने वाले हैं वो ये है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम से नाम, पता, एज और लैंग्वेज, आधार की और कुछ भी चेंज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपकी कंडीशन ये रहती है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आधार में मोबाइल नंबर कैसे जोड़े घर बैठे, तो आज हम जो पता करने वाले हैं वो ये है कि पता, नाम, उम्र, जेंडर, ये सब कैसे चेंज करें। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और पता करते हैं कि कैसे आप ये चेंज कर सकते हो। आपको सिर्फ गूगल में डालना है आधार। आधार डालने के बाद में आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी और इसमें माई आधार पे क्लिक करना है और माई आधार पे क्लिक करने के बाद में अपडेट डेमोग्राफिक डाटा पे क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट डेमोग्राफिक डाटा पे क्लिक करोगे, प्रोसीड टू अपडेट आधार, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है जिसमें चेंज करना है। अभी मैंने आधार नंबर डाल दिया है लेकिन कैप्चा नहीं आया। यहाँ आपको साथ में कैप्चा डालना है। कैप्चा जैसे आ गया, यहाँ पे कैप्चा डाल दिया मैंने, इस तरीके से कैप्चा आया है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओटीपी आ जाएगी। अभी देखो मेरे पास में जो ओटीपी आई है वो ओटीपी है डॉक्यूमेंट चूज कर लेना है। जैसे कि आपके न्यू डॉक्यूमेंट्स में क्या है, जैसे कि न्यू डॉक्यूमेंट्स में आपको एज वही होनी चाहिए जो आप चेंज कर रहे हैं, और उनमें से पासपोर्ट, पैन कार्ड वगैरह लगाना। जैसे मैंने पैन कार्ड लगाया है तो पैन कार्ड की फोटो आपको अपडेट करनी है, और मैंने पैन कार्ड की फोटो अपडेट कर दी है। आपको प्रीव्यू कर लेना है। जैसे आप प्रीव्यू करोगे तो आपको 50 रुपये के टोकन कटेगी। दोस्तों यहाँ पे आप प्रोसीड कर दिए हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ गया है, और यहाँ पे फिर से आपको कैप्चा लगा के 64 लगा के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में आपको मेक पेमेंट करना है। आप मेक पेमेंट करने के बाद में आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए बहुत सिंपल सी, आपके पास यूआरएन नंबर आएगा। दोस्तों पहले आप माय आधार पे जाइए और चेक ऑनलाइन डेमोग्राफिक स्टेटस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है जिसमें आपने चेंजेस किया है। तो मैं यहाँ आधार नंबर डाल दिया हूँ, और यहाँ पे यह आधार नंबर डाल दिया। इसके बाद में आपको ये कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद में दोस्तों सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने स्टेटस ओपन होके आ जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा इस तरीके से, अपडेट रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपके पास में यूआरएन नंबर मैसेज में आ जाएगा और स्क्रीन पे आ जाएगा। इस नंबर को आपको संभाल के रखना है तब तक आपका आधार कार्ड बन के ना आ जाए। तो इसमें रिक्वेस्ट डेट डाली हुई है दोस्तों, और अंडर प्रोसेस आ रहा है। और अगर आपका आधार कार्ड बन जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पे सक्सेसफुल आ रखा होगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता चला कि हम लोग किस तरीके से अपना नाम, पता, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। माई आधार में जाओ और यहाँ पे अपडेट डेमोग्राफिक अपडेट में जाने के बाद में ओटीपी आएगा, डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि एक बार अपडेट करने के बाद में आपका आधार कार्ड 24 आवर्स से लेकर 7 दिन तक या 15 दिन तक अपडेट नहीं होगा, तो इसके लिए आप सब सब्र रखना है और बार बार में चेक करते रहना है। एक बार सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल होने के बाद में आपको सीधा आपके घर पे आधार कार्ड मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।